देखो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हें देखो बिजनेस करना है, तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर क्या करते हो तुम अल्टरनेटिवली दूसरे बिजनेस का सोचने लग। मैं आपको ना नॉक देने आया हूँ, आपको पुश करने आया हूँ, जगाने आया हूँ। ये पूरी चेकलिस्ट है। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज में अपनी ब्रांड बनाई तो आपके कस्टमर के दिमाग में आपका नाम आता है या नहीं आता। यार इनका देखो 21st century का विजन है। लेट मी शो यू कोका कोला ब्रांड वैल्यूज आर लीडरशिप, कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी, पैशन। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। आप स्टेप वाइज स्टेप चेक कर सकते हो कि क्या चीज आपने कवर करी है और क्या चीज छोड़ दी है। देखो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हें देखो बिजनेस करना है, तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर क्या करते हो तुम अल्टरनेटिवली दूसरे बिजनेस का सोचने लगते हो। पहला बिजनेस तुमने एक ब्रांड नहीं बनाया, तुमने उसके चीजें कवर अप नहीं करी, तुम्हें दूसरे बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि तुम देख रहे हो कि दूसरा अच्छा कर रहा है इसमें, तो शायद मैं भी अच्छा कर लूं। मैं आपको ना नॉक देने आया हूँ, आपको पुश करने आया हूँ, जगाने आया हूँ। ये पूरी चेकलिस्ट है जो तुम्हारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो दो तरीके के बंदे होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जो बिजनेस कर रहा है, जिसको प्रॉफिट से मतलब है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना कि वो एक ब्रांड नहीं बन पा रहा। क्या लैकआउट रह जाता है, ब्रांड क्यों नहीं बन पा रहा है? तो अगर तुम भी कोई बिजनेस कर रहे हो और ब्रांड बनने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो आज यार ये 9 secrets देख ही लो, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आज ये सीक्रेट्स देख लो, तुम्हें ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है अगर तुम कोई बिजनेस करते हो। दो में से एक बंदा क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसकी सर्विस भी अच्छी है, सब कुछ बेटर है, वो अपनी ब्रांड नहीं बना पा रहा। क्या वो क्या इश्यूज है वो तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले। दूसरा एक बंदा स्मार्ट है तुम्हारी तरह, जो करना चाहता है, सब कुछ ग्रो करना चाहता है, उसे पता भी है कैसे करना है, लेकिन जो उसका कोर है, जो उसका बेस है, वो स्ट्रांग नहीं है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना ब्रांड का, अगर आपके इथिक्स नहीं है ना आपके बिजनेस के, तो आप ब्रांड तक नहीं पहुंच सकते, भले ही आप पैसा कितना ही कमा लो। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज में अपनी ब्रांड बनाई तो आपके कस्टमर के दिमाग में आपका नाम आता है या नहीं आता, या कौन से नंबर पे आता है। मतलब जब वो सोचे ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर उसको शूज लेना है तो शूज का ब्रांड जो है वो उसके माइंड में आना चाहिए। अगर किसी को ऑनलाइन कुछ परचेस करना है तो ऑनलाइन का ब्रांड जस्ट लाइक अमेजोन सबसे पहले उसके दिमाग में आना चाहिए। दैट्स द पावर ऑफ द ब्रांड। तो यार क्यों ना जब तुम बिजनेस कर ही रहे हो तो क्यों ना ब्रांड बना के करो। तो लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। सीक्रेट नंबर 1 इज पर्पस। आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस में व्हाई, हाउ एंड व्हाट। आप जो भी काम कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे वजह क्या है। वजह कुछ भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, पैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ, अब दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे करोगे, क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। थर्ड है व्हाट, और उसमें क्या करूं। तो ये आप चेक करो कि आपके पास है ये सब चीजें, ये चीजें आपने अपने बिजनेस के लिए डिफाइन कर रखी है, नहीं कर रखी। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इज द विजन। आज कहां पर हो, कल कहां जाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। आज कहां पर हो यार, ये तो चेक कर लो, आज कहां पर हो, कहीं तो कुछ तो स्टैंड करोगे ना कहीं, तो आज कहां पर हो और कल कहां जाना है ये चेक करो। टेस्ला का मैं आपको एक विजन स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, टू क्रिएट द मोस्ट कंपाइलिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी ऑन द 21st century। यार इनका देखो 21st century का विजन है। आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कुछ विजन बनाए हैं वो चेक करो, बनाओ नहीं बनाए। सीक्रेट नंबर थ्री इज वैल्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके इथिक्स क्या है, आप किस इथिक्स के अंडर काम करोगे, आपने अपनी वैल्यू डिफाइन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तब तक काम नहीं हो सकता। लेट मी शो यू कोका कोला ब्रांड वैल्यूज आर लीडरशिप, कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी, पैशन, डिलीवरेबिलिटी, क्वालिटी।
यार ये ब्रांड बने तो बने कैसे, इनके पीछे भी ये क्यों कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें अच्छी नहीं है या ये चीजें काम की नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं। तो वैल्यूज डिफाइन करो अपनी, जो भी आपकी वैल्यूज है आपके बिजनेस की, और उसके अंडर रह के काम। सीक्रेट नंबर फोर इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, आपको फाइंड आउट करनी है पहले उनकी प्रॉब्लम्स, और आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, उन सॉल्यूशन से आपकी जो ऑडियंस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और कौन सी डिजायर्स ऐसी हैं जो फुलफिल हो रही है। तो आपको टारगेट ऑडियंस अपनी इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। नाउ द सीक्रेट नंबर फाइव इज मार्केट एनालिसिस करो। मार्केट एनालिसिस का मतलब है डिफरेंशिएशन देखो। कॉम्पिटिटर रिसर्च इज नॉट द मार्केट एनालिसिस, ठीक है वो एक पार्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन, आप क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हो जो ऑल लोग कर रहे हैं, और आपके डिफरेंशिएशन से आपके कस्टमर्स को क्या फायदा हो रहा है। सीक्रेट नंबर सिक्स इज गोल्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गोल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं अगर आप कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाते हो या बिजनेस प्लान बनाते हो, तो वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। गोल्स में इनिशियल गोल्स क्या है, मार्केटिंग गोल्स क्या है, ऑपरेशन गोल्स क्या है, और स्केल होने के क्या क्या गोल्स है। सीक्रेट नंबर सेवन पर्सनैलिटी। आप जब आपको कोई देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी से आपको जज कर लेता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, किस तरीके का आपके क्लोथिंग है, उस चीज से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है किसी के भी सामने। ऐसे ही ब्रांड की पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। ब्रांड की पर्सनैलिटी आप देखो, एप्पल है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कूल है, इनोवेटिव है, कैजुअल है, फ्रेंडली है, स्टाइलिश है, तो क्या है ये क्यों काम कर रहे हैं, ये भी तो कुछ रीजन होगा जो इस पे काम कर रहे हैं। तो यार आपको भी इस पे काम करना है, अपना बिजनेस की पर्सनैलिटी को डिफाइन करो जिससे लोग आपको पहचानना शुरू कर। सीक्रेट नंबर एट इज द टोन। आपके बिजनेस की क्या टोन है, लेट मी ओपन दिस। क्रिएटिव टोन है, हम्बल टोन है, ऑनेस्ट टोन है, लॉजिकल है, चाइल्डिश है, फनिश है, या प्रोफेशनल है, ये आपको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। And the ninth is last one and the most important that is tagline। कुछ भी रख देते हो tagline, कुछ भी रख देते हो, मतलब यार मैंने देखा है ऐसी tagline देखी है कि बस कुछ नहीं कह सकते। देखो यार अभी मैंने जितने points आपको बताए हैं ना, tagline के लिए आपको पहले ये सारे points तैयार करने हैं अपने business के regarding। आपकी जो tagline है ना, वो इनमें से ही कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे, इन 9 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट में से उसमें से आपकी टैगलाइन डिफाइन हो जाएगी, आपको अलग से टैगलाइन डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। सो आई होप सो कि आपको 9 सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट ब्रांड बनाने के पता चल गए होंगे। ये आप किसी भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए, आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए। और यार देखो, डिफरेंशिएट करना ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, स्टार्ट करो, और इन 9 पॉइंट्स में से कहीं भी कोई भी इशू आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, आप पूरी स्ट्रेटजी डिफाइन करवाने के लिए एक एक पॉइंट। जैसे अमेजोन का अपना एक पर्पस स्टेटमेंट है, टेस्ला का एक अपना अलग पर्पस स्टेटमेंट है, उस तरीके से आप अपने ब्रांड का अगर करना चाहते हो तो आप ब्रांड कंसल्टेशन की सर्विस आप हम लोगों से केटर कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपने ये वीडियो काफी इंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या पॉइंट्स आपसे लैक आउट हो रहे हैं, और अब आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उस पर वर्क करोगे। और अगर आप चाहते हो, आपका कोई इशू है, तो आप वो भी कमेंट करके बताओ, उस पर भी वीडियोस बनेंगे। और देखो यार, सबसे पहले ना ये वाली वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।